2014 का एक बहुत जबरदस्त और बहुत शानदार क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन है कि ये आपको दूर दूर तक इसको आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन करना कैसे है। क्यों? देखो क्या कह रहा है, अ नंबर x इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ नंबर 1 2 3 4, अनदर नंबर y इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 4 9 16, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ x y इज लेस देन 16। इसमें हमें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में हमें दिया रहता है कि भाई टोटल इतने हैं, इसमें टोटल नहीं दिया है, तो इसमें सबसे पहले हम केस बनाएंगे प्रोडक्ट निकालने के एक्स और वाई का। हम क्या लिख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो एक्स एंड वाई, तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, एक बार वन की इस पूरे से मल्टीप्लाई, फिर एक बार टू की इस पूरे से मल्टीप्लाई, फिर थ्री की इस पूरे से मल्टीप्लाई और फोर की पूरे से मल्टीप्लाई। तो केस क्या बनेंगे, ध्यान से देखना, वन इंटू वन, फिर उस वन की, इस वाले वन की, इस के सभी से दूसरा क्या बनेगा, 1 into 4, तीसरा क्या बनेगा, 1 into 9, और फोर्थ केस क्या बनेगा, 1 into 16, क्योंकि तभी तो प्रोडक्ट बनेंगे भाई, x का पहला नंबर और उसी तरीके से। और क्या करेंगे, 2 लेंगे, इस 2 की मल्टीप्लाई इन सब से, तो क्या आएगा ये ध्यान से देखो, 2 into 1, 2 into 4, फिर उसके बाद 2 into 9, और फिर अगला क्या आएगा, 2 into 16, ठीक है। और इसी तरीके से सिमिलरली देखो, अलग अलग मार्कर का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तीसरा लेंगे 3, और 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे से, तो 3 into 1, 3 into 4, 3 into 9 and 3 into 16, और लास्ट केस क्या बचा, 4। अब लास्ट क्या बचा, ये अब इस वाले 4 की भी इन सबसे मल्टीप्लाई, तो क्या होगा ये 4 into 1, और इसी तरीके से 4 into 4, 4 into 9, और जो था क्या होगा 4 into 16, ठीक है। अब ध्यान से देखना केस कितने हुए, इसमें ध्यान से समझना, ये पूरे को एक केस मानेंगे, तो एक केस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल प्रोडक्ट कितना मिला मुझे, 16 उनको मिल गए टोटल, तो मतलब 16 आ गए, तो यही हो जाएगा मेरा टोटल केस, टोटल केस, ठीक है। अब फेवरेबल केस देखेंगे, फेवरेबल केस क्या कह रहा है, ठीक है। अब फेवरेबल में देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, अब ये जो नंबर मिले इसी में तो प्रोबेबिलिटी हमें देखनी है, क्या प्रोबेबिलिटी देखनी है कि जो x y का प्रोडक्ट हो वो किससे मिले, 16 से कम। कैसे मुझे पता चला कि टोटल केस यहां पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ x y, तो x y का जो प्रोडक्ट आया वो ये आया, टोटल कितने केस बनेंगे, 16। अब उसमें से मुझे देख रहे हैं 16 16 से कम कौन कौन से हैं, तो ध्यान से देखेंगे 16 से कम कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखो 1 into 1, 1 into 4, 4, 4 16 से कम है, बिल्कुल है। 9 into 1, यस ये भी 16 से कम है, और 16 into 1, 16, ये भी 16 से कम है, 16 से क्या लेना, लेस है, तो हमें क्या ये केस चलेगा, बिल्कुल चलेगा, 16 से कम है ना, ये केस चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ये केस चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ये भी चलेगा, क्यों, लेस देन 16 चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 into 16 कितना है, 16। उसी तरीके से 2 into 1 ये चलेगा, 2 into 4 ये चलेगा, ये चलेगा, नहीं चलेगा, क्यों, 9 into 2 18, और 16 into 2 32, और हमें प्रोडक्ट कैसा चाहिए, उससे कम। अब तीसरा देखो, ये चलेगा, बिल्कुल 3 into 1 3, और 3 into 4 ये चल गया 12, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। उसी तरीके से 1 4 into 1 ये भी नहीं चलेगा, क्यों, 4 4 16, 4 9 36, 16 4 64, तो हमें टोटल केस कितने मिल गए, फेवरेबल केस 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फेवरेबल केस कितने मिल गए, 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सिंपल सा, अब प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, ये क्या होगा हमारा फेवरेबल केस, फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल केस, क्लियर है यहां तक, फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल केस। और फेवरेबल केस कितने हमारे पास, फेवरेबल केस कितने मिले, 8, मैंने मार्क कर दिया है, तो 8 मिले। और टोटल केस कितने हैं, टोटल केस है 16, x y का प्रोडक्ट में से कितने केस बने टोटल 16, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 8 बन जा 8 2 जा, मतलब 1/2 आंसर आया, समझ में, अल्टीमेट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा करना कैसे है, ये आपको बिल्कुल एकदम झन्ना देगा, तो अच्छे से देखना वीडियो को, समझना, ये यूनिक क्वेश्चन है 2020 किसमें पूछा था, ये 2018 में पूछा है, 18 में, 2018 में 4 नंबर का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो अच्छे से नोट डाउन करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना,
जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही प्यारे शानदार क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।